थैंक यू विक्रांत जी. मेरी जो भाषा है वो इंग्लिश हिंदी पंजाबी मिक्स होके चलती है थोड़ी, है ना. तो सेम है. और मैं तो बल्कि अनीश जी से इतना रूबरू हो चुका हुआ हूँ कि मैं, मेरे को एक्चुअली बात करते हुए परसों मैं इनके यहाँ गया तो मैंने कहा सर बात करनी है तो मैं तो पर्ची बना के लानी पड़ी इसको कैसे चलाया जाए, ये थोड़ा सा मेरी मार्गदर्शक रहेगी. तो अनीश जी से हम शुरुआत करना चाहेंगे. अनीश जी का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, हालांकि अनीश जी मुझे हर बार मना करते हैं कि मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करना है आपने, बट मैं करूँगा. अनीश जी नीरजा भनोट जी के ब्रदर हैं, के भाई हैं, और मैं कहूँगा कि ये चंडीगढ़ की इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है. आज हमारे समक्ष बहुत सारी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज बैठी हैं. हमारे सामने सुदेश जी बैठे हैं, शिव कुमार शर्मा जी बैठे हैं, और अनीश भनोट जी हैं. अनीश भनोट जी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज हैं जो विश्व भर में मतलब मशहूर हैं. उनकी यू नो जीवन गाथा, उनकी बायोग्राफीज तो पिरोते हैं अपनी किताबों में. अनीश जी रोटरी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जितनी भी समाज में रोटरी के बड़े कैंप्स और बड़े प्रोग्राम्स जो भी चलते हैं शहर में, वो अनीश जी उन्हें अंडरराइट करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. अब अनीश जी अपने बारे में खुद थोड़ा बताएंगे. अनीश जी ने कहा था मुझे थोड़ा बोल के छोड़ देना, बाकी मैं बताऊंगा सब. यू नो ये जगह बहुत बढ़िया है बाल भवन, क्योंकि हम लोग रहते थे 16 सेक्टर में सामने, और मेरी नानी जी रहते थे 23 सेक्टर में इधर. तो ये हम शॉर्टकट यूज करते थे जाने को, जब बच्चे होते ना छोटे छोटे. तो हम बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, दो भाई एक बहन, और बड़ी जैसे दो भाई एक बहन होते लड़ते रहते थे आपस में. और उसमें नीरजा का रोल, नीरजा तो हम कमी बोलते थे, लाटो ज्यादा बोलते थे. तो लाटो का रोल बड़ा क्रिटिकल होता था, क्योंकि जिस साइड पे लाटो होती थी वही साइड जीतती थी. तो हम दोनों भाई कोशिश करते हैं लाटो हमारी साइड पे आते. तो इधर से हम क्रॉस करके जाते थे नानी जी के घर, और शाम को कई सेक्टर में क्या होता था कि सारी लेडीज बाहर कॉमन कोर्टयार्ड था वहां पर आ जाती थी, वो स्वेटर बुनती थी और हमारे को कहानियां सुनाती थी. और कहानियां भी अलग अलग होती थी, भगवान की ये है, साथ में कभी भूतों की कहानी सुनाते थे. तो रात को अपन तीनों पैदल जाते थे वापस घर. तो भूतों की कहानी सुनने के बाद हम तो बत्ते बड़े दिलेर पे, लेकिन जरा सी बात आती खड़ करके तो हमारे को टेंशन हो जाती थी. इधर बाजू में एक नाला जाता है, उसका नाम मैंने रखा था गंदा नाला. तो छोटे थे हमने देखा लाडो डरती थी वो गंदे नाले से, और हमने उसको थ्रेटन करना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ी रोब झाड़ती थी हमारे ऊपर, सबसे छोटी थी लेकिन घर में चलती थी उसकी. तो हम उसको बोलते हमारा काम पर नहीं तो करो गंदे नाले में फेंक देंगे. तो कई महीने तो बड़ा अच्छा चला, तो उसको डरा देते थे ये कर मार्केट जाके ले आ मार लिए ये तो गंदे नाले में फेंक देंगे. फिर 5-6 महीने के बाद उसने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कौन सा गंदा नाला. और उसके बाद बेचारे हम दोनों फिर वही दुबक दुबक के उसका काम करते थे. तो लाटो जो शुरू से ही बड़ी दिलेर थी, बहुत ही दिलेर. और तो जब वो बॉम्बे, मेरे फादर एक अखबार में काम करते थे, उनका ट्रांसफर हो गया बॉम्बे, तो हम लोग भी एक्सेस पैकेज कर रहा साथ में चले गए उनके बॉम्बे में ही. और बॉम्बे में पढ़े और फिर काम करना शुरू कर दिया उधर ही. तो मेरा बड़ा भाई जो वो एक जगह उधर फोर्ट में काम करता था, और लाटो जो स्टडी करती थी सेंट जेवियर्स कॉलेज में जो भी फोर्ट में था. तो मेरा भाई अखिल स्कूटर पे जाता था ऑफिस, और हम लोग लोकल ट्रेन, बॉम्बे सारे लोकल ट्रेन ही पकड़ते हैं, हम भी लोकल ट्रेन में जाते थे. तो कई बार लाटो बोलती थी अखिल को कि तुम मेरे को लिफ्ट दो, हम 1.5 घंटा लगेगा हम गप्पे मारते चलेंगे. तो और कई बार वो स्कूटर पे साथ में चली जाती थी. तो एक बार क्या हुआ, ये जा रहे थे तो एक जगह रास्ते में आती है माहिम. माहिम जब क्रॉस कर रहे थे तो लाडो ने देखा एक बंदा एक औरत को मार रहा थाड़ थाड़ थाड़. तो लाडो ने अखिल को बोला रोक रोक स्कूटर रोक. तो स्कूटर रोका, ये भागे गई उस बंदे के पास, उसका हाथ पकड़ लिया. तो बोला कैसे मार रहे थे उसको, लेकिन उल्टा पड़ गया. वो जो औरत थी बोली ये मेरा मर्द है, तू कौन है बीच में बोलने वाली, मार रहे थे उसको. और लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए. अखिल ने स्कूटर को रोका, अपना उसने स्टैंड पे लगाया, भागा उसने, लाडू को पकड़ के साइड पे लेके गया.
और बड़ी मुश्किल से स्कूटर पे बिठाया और फिर पूरे रास्ते में चुप करके कोई बात नहीं हुई। शाम को घर में अखिल ने लाडो को बोला, तू ये क्या कर रही थी सुबह, मरना का तेरे को? लाडो बोलती, नहीं उसको नहीं मार सकता, तो कैसे मार सकता। अखिल बोला, लेकिन देख बात बहुत उल्टी पड़ गई, लोग तेरे को मारने आए थे। अखिल ने बोला, क्या लोग बोल रहे थे, क्या करना चाहते, मेरे को लेना देना नहीं, मेरे को नहीं पसंद था कि वो लोग उसको वो उसको मारे, तो मैंने उसको रोक दिया। तो फिर बोला, यार तू ऐसे इतने वैल्यूज लेके चलेगी उस जिंदगी में, तो चलेगी नहीं ऐसे। तो छोटी सी लड़की ने, अभी 17 साल की थी, अखिल को बोलती है, देख भाई, उस अखिल का पेट नेम है मुन्ना, देखो मुन्ने, ये दुनिया एक मिनट की हो सकती है और साथ में छुट्टी मारने लगी, 5 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 20 साल की हो सकती है, लेकिन जिस जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए मैं क्यों बॉदर करूं कि मेरी जिंदगी लंबी रही कि नहीं रही। और वही उसने हाईजैक में किया, जब वो टेररिस्ट सामने आ गए वो हिली नहीं वहां से। लाटो एक पैनम करके एयरलाइन थी, उसमें एयर होस्टेस, तो ये प्लेन जा रहा था बॉम्बे टू न्यूयॉर्क वाया कराची एंड फ्रैंकफर्ट। तो सुबह प्लेन निकला 5 बजे और कराची पे जब लैंड किया तो वहाँ पर 4 आतंकवादी वेट कर रहे थे प्लेन के। तो जैसे प्लेन लैंड किया, कुछ पैसेंजर जो कराची उतरना था उतर गए थे और कुछ चढ़ रहे थे अभी, ये चारों आए गोली मारते फायरिंग करते प्लेन के ऊपर चढ़ गए। किस्मत की बात है, लाटो एक हफ्ता पहले उसके एंटी एज ट्रेनिंग करके आई थी लंदन से, तो उसमें उसको बताया गया था कि अगर ऐसा कुछ सीन होए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होए, तो अपने पहले पायलट को अलर्ट करना है, तो इंटरकॉम पे कोड डालना है। तो लाटो ने फट करके कोड डाला। अभी इनको एरोसो को पता नहीं था जब वो कोड डालता हुआ क्या, हुआ क्या कि जो पायलट को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर जो ऊपर टेक था, कोई 747 था तो उसका टेक ऊपर था, उनको जब ये सिग्नल मिला उन्होंने क्या किया, ऊपर एक हैच था, हैच को खोला, अंदर एक स्पेशल रस्सी थी, वो रस्सी डाली और वो प्लेन छोड़ के भाग गए। एंड देयर रफली अबाउट 400 पैसेंजर्स एंड क्रू ऑन बोर्ड, उधर छोड़ के वो भाग गए सर। तो ये जो हाईजैकर थे, वो जो लीड हाईजैकर था उसका नाम था साफरानी, वो भी पागल आदमी था बिल्कुल, उसने भी रिसर्च नहीं की थी कि प्लेन कैसा है। वो आया फटाफट भाग के वो नोज के ऊपर गया, अगर दरवाजा खोला तो अंदर उसको सर सूट हैंग करते हुए देखे, क्योंकि जो बोइंग 747 है उसका कॉकपिट ऊपर है ऑन द मेज़नाइन फ्लोर। जब तक उनको पता चला कि मेज़नाइन फ्लोर भी है तब तक द पायलट है रनवे। उन्हें जाके खोला, देखा अंदर कोई भी नहीं है, बड़ा गुस्सा चढ़ा इनको। ये थे एक ग्रुप है अबू नेताल ग्रुप, ये थे अमेरिकन के अगेंस्ट, अमेरिकन के अगेंस्ट थे, ये लीबिया का गद्दाफी था उसके बंदे थे। तो अभी किस्मत की बात अगेन, नीचे आए तो एक इंडियन था जो अमेरिकन बना था वेरी रिसेंटली, उसने सोचा शायद ये, अभी पंजाब में खालिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसने सोचा शायद ये खालिस्तानी वाले लोग हैं, तो उसने पासपोर्ट निकाल के बोला आई एम एन अमेरिकन, आई एम एन अमेरिकन। तो बोलते आजा बेटा तू, उसको पकड़ के लेके गए जो एग्जिट है उधर, बेंट कराया, नील कराया, उसको बंदूक रखी था, उसको मार दिया, उसकी बॉडी बाहर फेंक दी। पर इससे क्या हुआ, एयर होस्टेस को पता चल गया कि देयर आफ्टर अमेरिकन्स, क्योंकि ट्रेनिंग में उनको बताया गया था कि आपको सबसे पहले वो लोग बचा रहे हैं जो सबसे जबको सबसे सबसे ज़्यादा डेंजर है। तो फिर ये आया जाकर बोला सबके पासपोर्ट कलेक्ट करो, क्योंकि 400 पीपल इनसाइड, वो देखना चाहता है कौन सा अमेरिकन है इनमें। तो लाटो ने जो बाकी एयर होस्टेस को, शी वाज़ द लीड एयर होस्टेस, शी वाज़ द सीनियर फ्लाइट पर्सन, उसने बाकी अपने एयर होस्टेस को बोला कि जब पासपोर्ट कलेक्ट करके जहाँ आपको अमेरिकन पासपोर्ट दिखेगा उसको आपने लेना नहीं है, उसको अगर सीट पर उतार देना या फेंक देना। तो सारे पासपोर्ट कलेक्ट करके जब वापस आए तो देयर वर अबाउट 400 पासपोर्ट, उनमें एक भी अमेरिकन पासपोर्ट नहीं, ऑल्दो देयर वर एक्चुअली 41 अमेरिकन ऑन बोर्ड। तो देन दीज हाईजैकर एक ब्रिटिशर को पकड़ा, उसको डीलोड करा दिया उधर, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको मारा नहीं, वो बच गया, एंड में बच गया था। सारा गेट ये चला हाईजैक, किस्मत की बात अगेन, बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया, अंदर लाइट बंद होनी शुरू की,
क्योंकि अंदर ऑयल खत्म हो गया था, इंजन तो ऑन छोड़ के गए थे, चले गए थे तो पायलट है, तो अंदर एयर कंडीशन बंद होगी, ठीक है, वेरी सफोकेटिंग। तो ये जो हाईजैकर है, इन्होंने पॉसिबली सोचा कि कोई कमांडो अटैक होने वाला, तो उन्होंने क्या किया कि सब पैसेंजर को एक सेक्शन में हर्ट किया और दोनों तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी और हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। इसमें भी लाटो ने इमरजेंसी दरवाजा खोला और पैसेंजर ने और खोला, उसने ही दरवाजा खोला, जाती थी और खुद जम मार के भाग जाती, देखो उसने ऐसे नहीं किया। पैसेंजर मार को बोलते हैं कि वो तो खड़ी हुई, बोलते हैं गेट आउट रन, भागो यहाँ से भागो। तो वो फोर अनकंप्लीट चल रहा, उनके पेरेंट्स साथ में भी थे। ये हाईजैकर उनको गोली मारने आया तो उसने उसको बॉडी चपना कवर कर लिया, एंड शी गॉट किल्ड, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, बिकॉज इतनी गोली गोली चली तो जो एम्बुलेंस थी वो चली गई थी। देखो टू थ्री क्रू मेंबर्स, उन्होंने जब वापस चलने पहुंचे, उन्हें लड्डू है तो उसको ढूंढने आए वापस, तो जब ऊपर पहुंचे शी वाज स्टिल अलाइव एट दैट टाइम, शी वाज लाइंग आउट देयर ब्लीडिंग, तो दे हेड हर डाउन। तब उनको बोलते कि वॉच आउट माय हैंड इज ब्रोकन, एक्चुअली शी हैड गॉट शॉट आउट हियर। तो दोनों एम्बुलेंसेस को जीप में डाल के उन्होंने भेजा, जीप गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम ऑन द वे, तो बाय द टाइम दे रीच द हॉस्पिटल शी वाज गॉन। बट द डॉक्टर्स टेल अस कि अगर वो बच भी जाती, हर मेन दिस थिंग आर ऑल गॉन, सो शी वुड नॉट हैव लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ, सो मे बी इट वॉज गुड दैट शी पास्ड अवे, बट दैट वॉज नॉट ऑल, दैट वॉज वॉट शी वॉट वॉज ऑल अबाउट। आई थिंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जानी चाहिए कि हमारे समक्ष एक नेशनल हीरो हैं मिर्जा जी, अशोक चक्र विनर हैं सर, अशोक चक्र विनर से उन्हें सम्मानित किया गया। और अनीश जी के जब भी आप मिर्जा जी के घर बोलेंगे, जब भी आप जाएंगे, तो आज भी आप देख सकते हैं कि बाहर एक वो फीएट कार खड़ी है जो उनकी निशानी है, और घर के बाहर मिर्जा निवास है और अशोक चक्र लिखा हुआ है। तो सर वी आर प्राउड टू हैव सच यू नो आपका यहाँ होना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब अब ये मंच कला का है, कलाकारों का है, तो जो उपस्थित कलाकार हैं वो जानना चाहेंगे कि जब इस विषय पे, इस नीजा जी की जो ये जर्नी रही है प्लेन पे, उस विषय पे जब फिल्म बनी, तो ये फिल्म कैसे आई और ये फिल्म का संबंध कैसे जुड़ा और वो कैसे आपके संपर्क में आए, और लोगों को ये जानने में भी उत्सुकता रहेगी कि वो भी आप ज़रूर बताएं कि जब सोनम कपूर जी घर आए मिलने, तो आपकी मदर का उनसे क्या इंटरेक्शन रहा, ये कलाकारों को जानने में बहुत दिलचस्पी रहेगी। तो मेरे फादर ना वो पिक्चर बनाना नहीं चाहते थे, कई प्रोड्यूसर आए थे हमारे फादर के पास, लेकिन मेरा फादर बोलता था ये स्टोरी चेंज करते हैं, यू नो बॉलीवुड का रेपुटेशन ऐसी है। तो अब जब भी प्रोड्यूसर आए उन्होंने बोला नहीं 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 आपको नहीं करवानी, ही पास अवे 2008। तो 2014 में मेरे को एक मैसेज आया कि देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड अतुल कासबेकर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अतुल कासबेकर, आई वर्क इन बॉम्बे इन एडवर्टाइजिंग, तो अतुल कासबेकर नोन नेम, बड़ा नोन फोटोग्राफर है, वो एक किंग फिशर करके कैलेंडर आता है, वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं। तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक बनता हूँ, मैं सोचा शायद मेरे को किंग फिशर कैलेंडर के लिए लेना है, तो इसके लिए मैंने फोन वापस किया उसको। तो बोला देखो आई एम फ्रॉम फोटोग्राफर, आई वांट टू बिकम अ फिल्म प्रोड्यूसर, एंड द फर्स्ट फिल्म विच आई वांट टू मेक इज ऑन अ सिस्टर, बिकॉज इट्स अ स्टोरी विच मस्ट बी टोल्ड। तो अच्छा नॉर्मल, अगर अभी किस्मत की बात है, नॉर्मली वुड हैव सेड नो, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों नो मैंने बोला नहीं, मैं तो बोला अच्छा ऐसे है कि अखिल और मैं कल बॉम्बे आ रहे हैं, यूर चंडीगढ़ कल बॉम्बे आ रहे हैं, तो कल आपको मदद बात आगे बात करेंगे, बातें बहुत बड़ी हो सकती। तो नेक्स्ट डे इवेंट बॉम्बे, वी डिडंट गेट इन टच विद हिम बिकॉज इंटरेस्ट था ही नहीं, बट हिज ऑफिस केप्ट ऑन कीपिंग इन टच विद अस। तो चार दिन के बाद वी गाइज मेट, एक बैंड्रा में एक रेस्टोरेंट है उधर मिले, 4 बजे का टाइम था हमको मिलना था, हम लोग 4:45 पहुँच गए उधर, तो बैठ गए उधर। अखिल तो उस्ताद आदमी है मेरा भाई, वो तो बियर पूरा ऑर्डर करके बैठ गया, कहता अब सुन के ना ही बोलना है, बट वेल एंजॉय माय सेल्फ। तो ये 4 बजे आए, एंड यू नो हाउ समहाउ यू नो व्हेन यू मीट समबडी सडनली बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स विद इन 5 मिनट्स, ऐसा हुआ, बहुत चेंज हो गया। तो जब बात शुरू की ना, तो उसने ये शुरू ऐसे बात की
कि देखो इफ यू अलाउ मी टू मेक दिस फिल्म आई विल मेक श्योर द डिग्निटी ऑफ नीरजा एंड ऑल द अदर पैसेंजर्स केप्ट इंटैक्ट. उसने ये बोला. तो 5 मिनट के बाद अखिल और मैं एक दूसरे को इशारा किया ठीक है. हमने बोला ठीक है लेकिन दो कंडीशन. ये तो स्क्रिप्ट हम लोगों को अप्रूव करेंगे जो फाइनल स्क्रिप्ट होगी. दूसरा वी हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम आवर सुपर बॉस. और सुपर बॉस कौन हमारी माँ. वो चंडीगढ़ में बैठी थी. तो बोले ठीक है. सो ही केम बैक टू चंडीगढ़. मम्मी को बोला कि मम्मी को हम बढ़िया बोलते थे. बढ़िया ये फिल्म बनानी है. हाँ बोली नहीं 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 योर फादर बोलते थे कभी फिल्म नहीं बनानी. बोला नहीं पर इसमें देखो स्क्रिप्ट तो हम अप्रूव करेंगे तो दे कांट चेंज द स्टोरी. तो माय मदर फाइनली अग्रीड. बोलते लेकिन जिसने रोल प्ले करना उसको मेरे से मिलाओ. अच्छा आपको पता नहीं था तब कौन रोल प्ले कर रहा. तो अतुल कासवाकर फोन किया. तो भाई कौन रोल प्ले कर रहा है. कहता सोनू कपूर. मतलब मेरी माँ तो बोल रही है उसको मिलना है. अच्छा अगेन किस्मत की बात. सोनू वाज कमिंग टू चंडीगढ़ फॉर अदर असाइनमेंट विद इन वन वीक. तो बोला उसके लिए आ रही है हम मिला लेंगे उसमें. ठीक है जी टाइम फिक्स हो गया. टाइम फिक्स हुआ शाम के 7 बजे. तो पहले 4 लोग पहले आ गए. एक अतुल कासवाकर, एक राम आदवानी जिसने डायरेक्ट की मूवी हवेली, एक साइमन पोतोस ही रोट द स्क्रिप्ट एंड देन दिस वन वाज सपोज्ड टू कम एट 7 o'clock. 7 बजे शी केम लेट बाय 15 मिनट्स. और मार्को बोला गया सिर्फ 15 मिनट में आएगी, आपकी माँ को मिलने आएगी और चले जाएगी कि उसको जिस असाइनमेंट के लिए आई उसके लिए चले जाएगी. तो ठीक है जी. वो तो 7:15 घर में आई. उसने दरवाज़ा खोला एंड शी वॉक्ड इनसाइड एंड आई एम टेलिंग यू शी लुक टॉक एग्जैक्टली लाइक लड्डू. एंड लड्डू एंड हैबिट कि जब वो बैठती थी अपने ड्रेस स्मूथ करके बैठ. एंड सोनम डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग. शी बेंड शी स्मूथ द ड्रेस एंड सैट डाउन. तो आपको समटाइम मेरी माँ बोलती है ये तो मेरी लड्डू है. एंड सोनम इज ऑल्सो पंजाबी शी अंडरस्टैंड पंजाबी. माई मदर शी गॉट लॉन्ग वेरी वेल. सोनम वाज सपोज्ड टू कम फॉर 15 मिनट्स. शी वेंट आफ्टर 5 आवर्स. रात के 2 बजे ही घर से. वो सब कैंसिल कर दिया बैठी थी. तो मेरी माँ उसको बोलती है कहती है सोनम देख तू होएगी स्टार तू होएगी ब्यूटिफुल लेकिन मेरी लाडो तेरे ज़्यादा सुंदर थी. एंड सोनम टुक इट ब्यूटिफुली दैट वेर यू वेंट फॉर द प्रोमोशन शी वेंट एंड रिपीटेड द सेम स्टेटमेंट एवरीवेयर. मैं जब गई थी तो आंटी ने मेरे को बोला था मेरी लाडो तेरे ज़्यादा सोनी है. सो दैट वाज हाउ द फिल्म वाज मेड. देयर आर टीम्स ऑफ रिसर्चर्स हू कीप ऑन केप्ट ऑन कमिंग टू अस एवरी थ्री मंथ्स. एंड वी लाइक व्हाट वी लाइक अबाउट फर्स्ट वाज कि हम कुछ बोलता था ये हुआ बोलता प्रूफ दो हमारे को. एंड ऑल लॉजिक वाज इफ दे आस्किंग अस फॉर प्रूफ दैट मींस आस्किंग वेरी वेरी फॉर प्रूफ. यू नो जो कुछ बोल रहा है. सो दैट इज व्हाई द स्क्रिप्ट इज परफेक्ट. यू नो तो जब स्क्रिप्ट बन गई तो बोला भैया वहाँ पे आके अप्रूव करना पड़ेगा इसको बेस ही नहीं बचे बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑल. तो हम गए वी वेंट आई वेंट इन फैक्ट. तो वी आस्क फॉर 2 चेंजेस इन दैट आर स्क्रिप्ट दैट वाज टू व्हिच वाज माइनर वेरी माइनर. सो 2 चेंजेस वर डन एंड द मूवी वाज रिलीज. आई वेंट एंड सॉ द मूवी इन द मॉर्निंग शो. मैं सबसे पहले गया. क्यों गया था बोला मैं जाके देख लूँ करते जूते पड़ेगा रूज गड़बड़ हो इसमें क्योंकि स्क्रिप्ट तो मैंने अप्रूव की थी. बट द मूवी वॉज फैंटास्टिक. इन फैक्ट आई केम बैक एंड आई रैंग अप राम फर्स्ट. आई सेड फैंटास्टिक मूवी. अच्छा राम डिड पिक अप द फोन देन ही रैंग मी आफ्टर 15 मिनट्स. ही सेज आई एम इन द मिडल ऑफ अ रेडियो शो एट द मोमेंट लाइव पर मैंने रुकवा दिया. तो आई सेड राम फैंटास्टिक मूवी ये ब्ला 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 ब्ला. अच्छा अतुल को फोन किया मैंने. अतुल को यू टोल्ड यू मैं उसको ऐसे बोला कहता अतुल यू हैड प्रॉमिस टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एवरीबडी सो जस्ट मैं सेस आई डोंट आई डिड. So, I said, you not only maintained, you maintained 100 times over. Wow, fantastic. Kebana ji ko phone kiya. Kebana ji ka phone was switched off. So, she rang up after 1 hour. And she said, she is in Biswan, the village where she is from. Kehte, wahan par hoon. So, bola, fantastic movie. Kebana ji, pata kya bolti mereko? Kehte, Anish, ye maine pehli picture ki hai. Kehte, nahi. So, why is everybody acting like this is the first movie here? Sare mereko bola, congratulations. Jaise meri ye pehli picture hai. But obviously, she played a fantastic character and the last speech which she gave, she was in the movie, last mein jo speech hai uski, that is just amazing. Because he's such a positive person, people contributed that entire money. And he got, in fact, he got surplus. Yes. I'm going to say something else. And it is the good wishes of people.
because he has done so many good things for people that you are able to make that money without any problem. Sudden all our pay, aram se katte ho gaye from the internet from people who are unknown totally. Unknown people. Known people also. उसमें हमारा रोटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम था लेकिन इनोवील ने काफ़ी दिया. इनोवील 2.5 लाख रुपये दिए मेरे को टाइप वन आपने. इनोवील 2.5 लाख हमारा रोटरी ने 90,000 एंड बाकी सारा वॉज कॉन्ट्रीब्यूट बाई पीपल हु आर अननोन. आई थिंक इट बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड. जो चुनाव अपना पॉजिटिव एटीट्यूड. सभी को गुड इवनिंग. इनको हम बॉस बोलते हैं, ये हमारे बॉस हैं. अगर हम इनको सर बोलेंगे तो कहेंगे क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार, आप मेरे को सर बोल रहे हो. तो इनको हमने बॉस बोलते हैं, तो क्योंकि बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट. सो जब ये हमारे पास पहली बार टेरर इन द डार्क का कॉन्सेप्ट लेकर आए तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया यार कि मैं ना आप लोगों से मिलना चाहता हूँ. मैंने कहा कि यार ये कोई फ़ोन होगा कि हमने 10 ब्लाइंड बच्चों को खाना खिलाना है, वो टाइप्स फीलिंग ना. आप ये जानते हैं कि फ़ोन बहुत आते हैं हमारे पास, पंडित लोग बोल देते हैं जी कि 10 ब्लाइंड बच्चों को खाना खिलाओ. तो हमने आजकल एक वो चीज़ शुरू कर दी है कि कोई भी बोलता है जी 10 बच्चों को खाना खिलाना है तो मैं बोलता हूँ जी बिल्कुल खाएंगे लेकिन ताज में चलेंगे. सो इनका मुझे फ़ोन आया कि मैंने मिलना है. तो उस टाइम चंडीगढ़ में एक बड़ा क्रिटिकल केस चल रहा था, वो जो एक 10 ईयर्स की बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, वो स्टोरी उस टाइम बड़ी चल रही थी. तो हम सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को हमें केस क्यूरी बनाया हुआ था, तो उस चक्कर में हम बहुत बिजी थे. तो मैंने इनको बोला कि सर मैं आधा घंटा ऑफिस में हूँ, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ. और ये पहुँच भी गए. हेलो, बड़े ठीक आदमी हैं, पहुँच भी गए. सो हमने इन्होंने मेरे को कंसेप्ट सुनाया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है. तो हमने ये किया और हमने जो स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस बनाया हुआ है वो भी बिल्कुल हमने वाइट बनाया हुआ है कि जिसमें हम एक हमने जूरी बनाई. इन्होंने कहा कि यार पैसा तो हम दे देंगे, सेलेक्ट कौन करेगा. मैंने कहा हम करेंगे. हमने 6 बंदों की एक जूरी बनाई जिसमें 2 से 3 रोटेरियंस और बाकी हम लोग एक ऑनलाइन फॉर्म निकालते हैं, बच्चे अप्लाई करते हैं, उनको एकेडमिकली और इकोनॉमिकली देखा जाता है कि वो बच्चे उसके लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं करते, तब हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं. और ये नहीं कि 20,000 हमने एक बार दे दिया, एक सेमेस्टर का हम 10,000 रुपया देते हैं. अगर उस सेमेस्टर में उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहा तो अगला 10,000 हम तब रिलीज करते हैं, ताकि जो उसकी जो स्कॉलरशिप का एक वो डिग्निटी है वो बनी रहे और हमारी जो क्वालिटी, जो हम क्वालिटी देना चाहते हैं वो रहे. सो मैं भी आप सबको भी कहूँगा कि टेनर इन द डार्क एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. अभी 15 मार्च को हमारा वो प्रोजेक्ट आ रहा है, ताज होटल में ही करेंगे लेकिन वहाँ आप नहीं, हम खिलाएंगे. सो उसके बारे में सर आपको ज़्यादा बताएंगे. टेनर डार्क ऑफकोर्स इज अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट एंड क्योंकि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हू कैन सर्व, इट कैन बी सर्व टू ओनली 50 पीपल एट अ टाइम. इसमें तो वी हैव ऑलरेडी सोल्ड 40 सीट्स. वो सीट ही सेल करता है, क्योंकि हम जो लोग डोनेट करते हैं उसके लिए फ्री डिनर है. डोनेशन अमाउंट है 7,000 पॉट ऑफ प्राइसिंग है, 7,000 रुपये डोनेशन है. तो बेसिकली एनीबडी इंटरेस्टेड आउट हेयर यू कैन बुक योर सीट एंड इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव डिनर, वेरी वेरी एक्सक्लूसिव डिनर. एंड लेट मी टेल यू इट चेंजेस. हम लोग फिक्र करते हैं ना फ़ोन कौन सा है, गाड़ी कौन सी चला रहे हो, जूते कौन से डाले हुए हैं. वो एक बार डंड में आ जाओ सब भूल जाते हो. बोलते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी मेरी आँखें हैं यार. तो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हुआ 14 ईयर्स 15 ईयर्स, तो आप बोलते हैं ना आईफोन चाहिए, उनको डिनर के बारे में भेज दो, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे आईफोन के. तो दैट इज़ द डिनर डार्क. यो नौजवानों के लिए 7,000 में आईफोन नहीं आता. जी सर, जो आपकी इंस्पायरिंग इंडियंस की जो सीरीज़ है, बुक है, उसके ऊपर हमने एपिसोड्स भी प्रोड्यूस किए हैं, आप देख सकते हैं रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे. और सुदेश जी बैठे हैं और शिव जी बैठे हैं, इनके एपिसोड ज़रूर देखें. सर आप कैसे चुनते हैं कि ये व्यक्ति, ये हस्ती मेरी इंस्पायरिंग इंडियंस की बुक का हिस्सा बनेंगी, ये थोड़ा आप दर्शकों को बताएं. बेसिकली व्हाट वी लुक एट इज कि वो पर्सन ने किया क्या है. वी आर नॉट लुकिंग एट फाइनेंशियल एंड ऑल दैट, वी आर लुकिंग एट पर्सन ने किया क्या है. एंड उसकी स्टोरी सुन के क्या जो यंगस्टर है तो बोले यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. बस ये है क्राइटेरिया, कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, 1, 2, 3, 4 ऐसा कोई फॉर्म नहीं है. बेसिकली हमारे को स्टोरी लोग सुनाते हैं, अलग अलग जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कैनेडा गए थे हम, कैनेडा शूट कर रहे थे किसी के साथ,
और अब बात किया कि तमिलनाडु में एक इंटीरियर में देता गाय कॉल्ड रामकृष्णन एंड देता जेंटलमैन कॉल्ड श्रीधरम, उनसे मिलो जाके। वो हम गए तमिलनाडु मिलने उनसे, क्या कमाल के बंदे हैं। श्रीधर रमन क्या है, ये यू नो जैसा डिजीज आते हैं आपके बॉडी पार्ट्स कीप ऑन स्टॉपिंग वर्किंग, तो इसका ये बच्चा था तभी ये ऐसा प्रॉब्लम होगी। और दूसरा जो बंदा है ये वॉन्ट यू नो फिट गए, उसने नेवी ज्वाइन करनी थी, टेस्ट पास करके वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम उसके लिए गया, तो उसको बोला गया ओके ये पेड़ पे चढ़ो ऊपर से छलांग मारो। पेड़ पे चढ़ गया, पता नहीं स्लिप कर गया क्या हुआ, गिरा तो अपनी बैक पे गिरा, उसकी स्पाइन टूट गई, जिंदगी ख़त्म। हॉस्पिटल में था 4 साल, अभी भी वो ऐसे लेटता है, ही कांट सिट, ऐसे लेटा रहता ऑल द टाइम, एंड यू हैव टू सिट एट अ पर्टिकुलर एंगल जहाँ से वो देख सके तुम्हारे को, तो ज़िंदगी ख़त्म दोनों की। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने एक संस्था सेटअप किया आयुक्टी करके, तमिलनाडु में जगह है जहाँ पर ये दे लुक आफ्टर 300 पीपल विद द सेम प्रॉब्लम फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेशन देते हैं उससे वो ये आज से नहीं पिछले 15 साल से कर रहे हैं। एंड यू मीट दिस गाइस, उनकी आप फेस पे क्या चमक है, मज़ा आता है देख बात करने। तो मैं जब भी श्रीधरन साहब को मिला, चेन्नई गया मैं उनको मिलने के लिए, तो बेड पे बैठे थे, तो भाई भी बेवकूफ मैं अपना हाथ निकाला चेकेंड करने के लिए, वो कहाँ से चेकेंड करेगा बेचारा। तो मैं बातें कर रहा तो आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स से बोलता मेरी तरह ऐसे क्यों देख रहे हो, कहता देखो कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, कुछ लोगों को डायबिटीज होती है, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्या बड़ी बात है उसमें। एंड आई एम टेलिंग, अच्छा जो अपना सेकेंड पर्सन, उसको अभी गवर्नमेंट ने क्या भारत पद्मश्री अभी की जाती है, ये जो अभी 26 जनवरी को किया। एंड दीज आर द पीपल हू डिजर्व इट, नो वी आर रियल पीपल हू डिजर्व इट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रीड रामकृष्ण साहब गॉट द पद्मश्री दिस टाइम, जैसे हमारे लंगर बाबा को मिला ना वैसे ही, कमाल के लोग हैं ये सब। तो क्राइटेरियाज में कुछ नहीं है, क्राइटेरिया हमारे लोग स्टोरीज आते हैं उसमें से हम ले लेते हैं बस, तो दिल को छूनी चाहिए स्टोरी, दैट्स ऑल, दैट इज ओनली क्राइटेरिया, नथिंग एल्स। जैसे ये भाई साहब को, ये भी किताब में आया हुआ है। तो कला के जो विद्यार्थी हैं और उत्सुक हैं उन्हें मतलब अनीश जी की बातों से यही पता लगेगा कि कहानी ही यू नो द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप प्ले देख रहे हैं, चाहे आप कोई फिल्म पे काम कर रहे हैं, चाहे अपने कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि बायोपिक बनाने के लिए इंस्पायरिंग इंडियंस पढ़ लेनी चाहिए। शायद 12 वॉल्यूम जो लिखे हुए हैं उनमें से जो भी सब्जेक्ट पसंद आए उसके ऊपर कोई प्ले डायरेक्ट किया जा सकता होगा, या कोई मेरे जैसे को कीड़ा उड़ जाए फिर कोई फिल्म बनाने निकल जाए तो वो देख बहुत मिल सकता है। अनीश जी से मैं ये पूछना चाहूँगा सरेआम, अनीश जी आप फिल्में देखने में दिलचस्पी रखते हैं या थिएटर? अब ये पक्ष वाली बात है, आपने किसकी नहीं बताओ। मैं फिल्में देखता हूँ, थिएटर मेरे को समझ नहीं आता। I tell you very interesting. एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता बॉम्बे में, हमारी एक पर्सन वर्किंग देयर कॉल्ड अभान दिवंश, अभान यूज बी गुजराती थिएटर बहुत इन्वॉल्व होती, तो मेरे मगर पड़ी देते ही मेरा प्ले मेरे, तो इधर मैं प्ले देखने चला गया। वो प्ले भी मेरे को याद है, तारपुर वाला विच ऑडिटोरियम बहुत तेजपाल, तेजपाल ऑडिटोरियम में प्ले था, तो बैठ गया मैं देखने, तो पीछे एक बॉडी पड़ी थी ऐसे, आगे ये पता नहीं थी बातें बातें कर रहे थे। तो जब मेरे को लगा प्ले इंटरेस्टिंग हो गया तो प्ले ख़त्म हो गया। तो पूछते हॉट इट लाइक इट, मेरे को समझ नहीं आया यार, मेरे को लगा इंटरेस्टिंग होने वाला है तब तो ये प्ले ख़त्म कर दिया, तो बॉडी पीछे देख ली कुछ तो प्ले ख़त्म हो गया उधर। तो मैं कल एक पिक्चर देखी विच वॉज फैंटास्टिक, मेरे को नाम अभी याद नहीं उसका, बूढ़े हो गए पर जवानी समथिंग, जवानी जवानी जाने वाला ब्यूटीफुल मूवी, कपड़े देखा इसके सामने बोला बड़ा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर ये जो कल पिक्चर देखी ना, इट वॉज वेरी डिफरेंट स्टोरी टोटली, शुरू में बड़ी बोरिंग है लेकिन आफ्टर द इंटरवल रियली पिक्स अप,
That's about a guy who a girl meets him in a pub. They just go घर ले जाता आपने. उसका objective तो कुछ और था. Like she turns around and turns out to be his daughter. Oh, that entire story is fantastic. And how she's pregnant and how this guy is a guy. He doesn't want any strings attached. And then how he changes as a person. That's a fantastic movie. You must go and see this movie. Very good. और मेरी अनिल जी से ऑन कैमरा दरखास्त है कि TFT के प्लेस आके देखें, आपका थिएटर देखने का नज़रिया बदल जाएगा. ठीक बात है सुदेश जी, है ना? प्लेज आर नॉट बोरिंग और गारंटीड एक एक प्ले मेरा देखा हुआ है और आपको ज़रूर मज़ा आएगा. हाँ बोलो अनिल जी, माइक. एनी आई हैव सीन अ कपल ऑफ प्लेस फ्रॉम हियर. आई रिमेंबर दैट बंगाली द थिंग वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट. द बंगाली इन फैक्ट आई टू द पॉइंट डिनर बिकॉज़ ऑफ दैट. प्रवीर गुहा. प्रवीर गुहा, दैट वाज फैंटास्टिक. मां and then they had that thing where they made the women walk. That was fantastic. For most plays, I don't understand. Punjabi tum aage kar rahi hai. Anish ji, bahut sare social projects karte hain Chandigarh mein, bahut sare groups ke sath associated hain aur aisi shakhsiyaton ko mauka dete hain ki wo aur bhi social causes ke sath jude. तो जितने भी हम कलाकार हैं, चाहे हम एक थिएटर में या टेलीविज़न में या फिल्म के किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जैसे जैसे ही हम काम अपना बढ़ें या अपने काम के थ्रू सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, परहैप्स ऐसे सब्जेक्ट्स लेके जिनसे सोसाइटी को फ़र्क पड़ता हो, जैसे कोई भी बायोपिक बनती है, इंस्पायरिंग फिल्म बनती है, या किसी ना किसी वे में अगर आप कि आमदनी एक फिल्मों से या थिएटर से या किसी जरिए से बनती है तो आप फिर उसको किसी और सोशल कॉजेज में डाइवर्ट करें. अनिश जी, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस मैं पूछना चाहूँगा कि आपके शहर में क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लोग उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और किन ग्रुप्स को आप आगे लाना चाहेंगे? आई एम इन्वॉल्व विद रोटरी एंड रोटरी इज फैंटास्टिक. रोटरी एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है. इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ रोटरी इज क्या है? ऑन द फर्स्ट ऑफ जुलाई एवरी ईयर पूरे बंदे चेंज होते हैं. ऑल द प्रेजिडेंट्स, ऑल द राइट फ्रॉम द टॉप, सारे चेंज होते हैं. तो कोई करता धरता नहीं इसका. बोला ना रोटरी मेरी है, ऐसा कुछ नहीं है. हर साल लोग चेंज होते हैं. इस साल मैं प्रेजिडेंट हूँ, अगले साल पहली जुलाई को समी एस का. एंड वी डू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो एक प्रोजेक्ट हम कोशिश कर रहे हैं, अभी होएगा क्योंकि होएगा पता नहीं. देर इज समथिंग कॉल्ड किडनी स्टोन्स. किडनी स्टोन्स क्या होता है? इज वेरी पेनफुल. तो जब किडनी स्टोन होता है ना, तो डॉक्टर आपको टेस्ट करता है. अगर स्टोन छोटा है, वो बोलता है यार बियर पियो, पानी पियो, आपके यूरिन में निकल जाएगा. या दैट्स अ ट्रैक्ट. लेकिन अगर स्टोन बड़ा है या आपका यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक कर रहा है, देन यू ट्रबल. क्योंकि कई बार किडनी स्टोन से इट कैन रिजल्ट इन डेथ, किडनी फेलियर हो सकता है. तो अलग अलग तरीके, अगर बड़ा किडनी स्टोन है तो उसकी सर्जरी हो सकती है, एंडोस्कोपी हो सकती है. लिथोट्रिप्सी. लिथोट्रिप्सी क्या है कि बाहर से, मतलब कटपट नहीं होती उसमें, बाहर से साउंड वेव्स के थ्रू वो स्टोन को छोटा छोटा तोड़ देते हैं और फिर वो आपके यूरिन में निकल जाता है. हर तरीका स्टोन नहीं हो सकता, डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोन, पर बहुत सारे स्टोन ऐसे हो जाते हैं. नाउ जो तो बड़े शहर हैं, चंडीगढ़ है, बॉम्बे है, उधर तो लिथोट्रिप्सी मशीन अवेलेबल है. क्योंकि 1 करोड़ रुपया लगता है सेटअप करने में, तो डॉक्टर लगाते नहीं है. चंडीगढ़ में है, पीजीआई में है, 2-3 प्राइवेट लोगों के पास. मेरा एक दोस्त है अहमदाबाद में, वो यूरोलॉजिस्ट है, बड़ा माना यूरोलॉजिस्ट है. उसने कोई 40,000 किडनी ट्रांसफर सर्जरी की हुई है. उसके फादर है डेड ऑफ रीनल फेलियर बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन्स जब वो पढ़ रहा था अभी. तो वो बोलता है यार मैं बड़ा तंग था कि छोटे गाँव छोटे शहरों में भी ये लिथोट्रिप्सी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि नहीं अवेलेबल होता. तो उसने 12 साल क्या किया, एक वैन खरीदी, वैन में लिथोट्रिप्सी मशीन फिट की, टुक केयर ऑफ द मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स, टुक केयर ऑफ द रेडिएशन लेवल्स, और ये वैन गुजरात में जाना शुरू कर दी. एंड टुडे 200 डॉक्टर्स यूज दिस सेम लिथोट्रिप्सी मशीन. तो मैं उसको बोला यार अच्छा, एंड ही इज इन माई बुक, दैट इज हाउ आई नो अबाउट दिस. तो मैं इंटरव्यू करने गया उनको, तो मैंने बोला ये फ्री करते हो कि पैसे चार्ज करते हो? तो मेरा बड़ा अच्छा सबक दिखाया. मैंने बोला देखो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट करो, यू मस्ट मेक श्योर एटलीस्ट ब्रेक्स इवन. तो कहता हम पैसे चार्ज करते हैं, कुछ से चार्ज करते हैं, कुछ को फ्री करते हैं, लेकिन जो चार्ज करते हैं उसमें भी हॉस्पिटल चार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसे भी सस्ता करते हैं. एंड टुडे इज गॉट 3 ऑफ दीज एम्बुलेंसेज गोइंग अराउंड इन गुजरात.
कहता मैंने एक पैसा इसमें निकाला नहीं, मैंने री इन्वेस्ट किया ऑलवेज। तो मैं जब रोटरी का प्रेसिडेंट बना बोले यार, तो हमारा काम है तो हम करना चाहिए। हमारा इधर तो डिस्ट्रिक्ट है, तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट है, इधर देहरादून तक है, उधर थोक तक है, खरड़ तक है, तो हम लोग भी जाएँ टाउन टू टाउन और ये लिथो पिटी करें। अच्छा हम डॉक्टर नहीं है तो इसमें तकलीफ बड़ी हमारे को, पैसा इकट्ठा करना बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, तो कर रहे हैं अभी, लेट्स सी हो जाएगा। सो एक तो हमारा लिथो पिटी प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, दूसरा डेंजर डार्क जो इनके साथ में कर रहे हैं, ये भाई साहब के साथ में। अच्छा बड़े बहुत ग्रुप मिलते हैं हमारे को, जैसे इनका ही म्यूजिकल ग्रुप कॉल्ड द म्यूजिकल आइस, ये इनका म्यूजिकल ग्रुप है विजुअली चैलेंज लोगों का जो गाने गाते हैं। और मैं शुरू से इनको बोल रहा हूँ कि उसका एक ट्रस्ट फॉर्म करो, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे हैं अपने चंडीगढ़ में जो फ्री में तुम्हारे से काम करते हैं। फ्री में मत करो, चार्ज करो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। तो ये अभी होपफुली मैं पिछले 6 महीने बता बन जाएगा, ऑन द वे मैं 6 महीने हो गए सुनते हैं, तो होपफुली ऑन द वे कड़ी पार हो जाएगा। एंड दे प्ले फैंटास्टिक म्यूजिक, इनका एक ग्रुप मेंबर हैज कट दिया रिकॉर्ड, उसको आने वाला उसका तो अच्छा उसका डिटेल बता दें फेसबुक और उसका। हमारा जी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे पेज है द म्यूजिकल आईज के नाम से है, आप इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। हमारी भी आज एडवर्टाइजमेंट हो गई है और हम प्लेस भी करते हैं। अगर आज से हमने अभी एक हमने प्ले किया था आइस दैट सी, जिसमें हमने आँखों से रिलेटेड जितने गाने हैं उनको लेके हमने एक मैशअप बनाया था और उस पर एक्ट किए थे, वो बहुत अच्छा हमारा प्ले गया था 2015 में हमने। आप तो सभी थिएटर से जुड़े लोग हैं, शाहिद नदीम ने प्ले लिखा था बुल्ला, पाकिस्तानी राइटर हैं, उन्होंने बुल्ला लिखा था, वो हमने प्ले किया था और उसके हमने 4-5 शो चंडीगढ़ में किए थे, इसके अलावा गुड़गांव में, शिमला में, काफ़ी जगह वो हम परफॉर्म करके आए थे। वो हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा था। तो आप हमारे इस चैनल को, इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द म्यूजिकल आइज के नाम से हमारा ये पेज है। Fortunately, no questions. Yay! Thank you very much. But I can't tell how to satisfy you. चलो मैं एक पूछ लेना। अनीश जी बहुत बड़ा काम करते ने, और अगर आप रूबरू वाला सैशन देखिए तो इन्ह की जी बुक है इंस्पायरिंग बुक जी इन्होंने पब्लिश की है, तो उस एक हिस्सा आप सोचते हैं भी थोड़ा जहाँ किया भी ऐसी परसनैलिटी के नाल गलबात करते रहिए, उन्होंने चु अच्छी तुम भी एक हो। मेरा ये कि नीरजा भनोट के नाते तुसी जिहड़ी संस्था भी चला रहे हो, तो क्योंकि मेरा संबंध थिएटर नाल है तो थोड़ा उहदे च अजे इंट्रस्ट नहीं है, तो असी इंट्रस्ट भी क्रिएट करिए, तो मेरा तो यही सब तो वड्डा हुण अज कम मैनू मिल गया अगले 5 साल दे। तो मैं चाहता कि नीरजा भनोट के नाते कोई असी इदा दा थिएटर फैसटिवल, चाहे वह वूमन डायरेक्टर्स का फैसटिवल हो, चाहे जिहड़ा सानू लगता है कि थिएटर के विच चिल्ड्रन थिएटर फैसटिवल नहीं होंदा या बच्चों का रंगमंच नहीं होंदा जिहदे नाल असी बच्चों इंस्पायर कर सकते, कि इस तरह करके कि नीरजा भनोट के नाते या तो कोई बच्चों का रिलेटिड बाल रंग उत्सव के नाते या कोई महिला उत्सव के नाते कुछ ऐसा किया जाए जिहदे नाल जिहड़ी सारी बच्चों इनकरेज किया जाए, तो उहदे च असी थोड़ा सहयोग देना जी। डांसर बिल्कुल उसके दो फायदे होंगे, एक तो जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते, थिएटर से दूर जाती जा रही है, बच्चे इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं, नहीं वो उन चीज़ों को फील कर रहे जो थिएटर में मज़ा है। तो उससे दो फायदे होंगे अगर बच्चों और लेडीज़ को लेके किया जाए, एक तो बच्चों का थिएटर की तरफ रुझान बढ़ सकता है और दूसरा नीरजा के लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती। उसके बल्कि 3 फायदे हो जाएंगे, मतलब 2 आपने बोल दिए, तीसरा जो अनीश जी थिएटर से दूर है वो पास हो वैसे आपको और भी बता दूं, यदि यहाँ पे कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से छात्र हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो आपको नीरजा भनोट हॉस्टल भी वहाँ पे मिलेगा देखने को। हॉस्टल का नाम कौन सा नंबर हॉस्टल है सर? 10 नंबर हॉस्टल है वो, नीरजा भनोट 9 10। इनफैक्ट लास्ट ईयर व्हेन दे हैड देयर एनुअल फंक्शन दे इनवाइटेड अस फॉर दैट एंड दिस गर्ल दैट प्रेजेंटेड अ प्ले ऑन नीरजा व्हिच वाज फैंटास्टिक, रियली वेरी वेरी डन प्ले।
उधर ही किया था उन्होंने हॉस्टल में। अनिल जी बिल्कुल मना नहीं करते, आपने बस प्रस्ताव रखा, उन्होंने अभी ओके कर दिए। अब आप कागज जल्दी ले आओ। सर एक क्वेश्चन है कि रोटरी क्लब को अगर ड्राइंग करना तो क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या चार्जेस हैं, और उनमें हम लेडीज क्या क्या काम कर सकते हैं? रोटरी क्लब ना बेसिकली अलग अलग लोग क्लब्स हैं, चंडीगढ़ में 6-7 क्लब हैं, सबके अलग अलग सिस्टम है। मैं अपने क्लब का बात करता हूँ, मेरे क्लब का नाम है रोटरी चंडीगढ़ शिपालिक, एंड हमारी एक एवरी वीक वी मीट ट्यूजडे को हमारी मीटिंग होती है, इट्स अ डिनर मीटिंग। सो नेचुरली देयर आर 52 मीटिंग्स इन अ ईयर, सो नेचुरली यू गॉट टू पे फॉर द 52 मीटिंग्स बिकॉज़ यू आर गेटिंग डिनर आउट देयर। सो द एनुअल फीस व्हाट वी चार्ज इज 18,000 रुपीस, व्हिच इंक्लूड्स द 18,000 इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ डिनर पर एन। अच्छा क्या कर सकते हो उसमें, वो आपके ऊपर है। रोटरी ये नहीं बोलता है करो, रोटरी बोलता है ये प्रोजेक्ट है, कम एंड हेल्प। सो पीपल कम एंड हेल्प, कला का मंच है, और कलाकार ना जब तक उन्हें एक मेजर ब्रेक नहीं मिलता ना सर, वो थोड़े कंफ्यूज ढूंढते हैं कि उनको वो सोचते हैं और कितनी मेहनत करें, पता नहीं किस्मत कब चमकेगी कब नहीं चमकेगी, पता नहीं जो हम काम कर रहे हैं पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़े ही लाइफ ना सस्पेंस में चली जाती है और वेटिंग पीरियड बहुत लंबा जाता है। इन कलाकारों को आप एक गोल्डन टिप क्या देना चाहेंगे? गोल्डन टिप तो पता नहीं, बट मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं आई गो एंड मीट ऑल दीज इंस्पायरिंग पीपल, मैं इंटरव्यू खुद करता हूँ, एंड वन थिंग विच केम आउट वेरी क्लियरली, जितने भी सक्सेसफुल बंदे हैं इन्होंने दे नेवर बॉदर्ड विद मनी, इन्होंने दिल से करना कर लिया बस। अक्रॉस आप मेरी स्टोरी भी पढ़े उसमें आपको ये फैक्टर मिलेगा कि जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो करते करते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट। आई एम श्योर बोथ ही जेंटलमैन विल एग्री विद मी कि मनी इज नॉट द क्राइटेरिया, मनी को भूल जाओ, जो दिल में पसंद है वो करोगे अच्छा ही होगा। डू व्हाट यू लाइक टू डू एंड यू विल डू इट वेरी वेल, दैट्स इट। और कोई सीक्रेट सक्सेस नहीं है, यू मस्ट एंजॉय एवरीथिंग विच यू डू, नहीं तो करो ये टच ही मत करो यार, करो वही जो इंटरेस्टिंग है, नहीं तो डोंट डू इट। मेंटल सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी है जी, आज मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मैं मेंटली फिट हूँ, है ना। अगर हम मेंटली फिट है और पॉजिटिव है ना, अगर हमारी इंटेंशन ठीक है तो सारे काम अच्छे होंगे। मैंने लाइफ में एक चीज देखी है, बाकी तो आप सभी बड़े हैं समझदार हैं, मैं तो आप सबसे बहुत छोटा हूँ। तो यही है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, अगर आप उसको इंटेंशन को लेकर चली जाओगे तो सारे काम अच्छे होंगे। बस थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ थिएटर फॉर थिएटर चंडीगढ़ का, सुदेश जी का, और पूरी टीम TFT चंडीगढ़ की, ये मंच देने के लिए हमारी इस रूबरू के लिए। मैं गुजारिश करूँगा सुदेश जी से, सर आप आए। दोस्तों अनीश फलोर जी नाल दिल दिया गल्ला कीतिया, इन्होंने भी अपने दिल दिया गल्ला दसिया, जिन्हें भी दिन असं हम रूबरू करते आ रहे हैं, एक गल तो निकल के आई है भी जोड़ा भी काम 100% दिल तो किया जाता, अपनी रूह तो किया जाता है, वह माइलस्टोन बन के निकलते हैं। चाहे वह किरपाल कजाक नाल आपां गल कर रहे सीगे, चाहे सरप्रिय निर्दोही नाल, ओवे कतरे नाल, और दर्दी साहब नाल, जिन्हें भी हम रूबरू हुई हैं उन्हें सबको एक ही गल आई है, और अपना जी कंसंट्रेशन है वो जिस काम में तुम लाओगे वो 100% लगा। लेकिन फिर भी बड़े लोगों का ही होता है कि भाग्य साड़ा की है, भाग्य किस तरफ लेके जाता है, ये तो बहुत लोग यकीन करते हैं। तो ज़्यादातर लोग एक सेक्टर न्यूज़ दे विच आपका भविष्य आता है उस ज्योतिषी पे बहुत यकीन करते हैं, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ अनीश जी को, वो ज्योतिषी कौन है? जी हाँ देवी और सज्जनों, मेरा टेवे च नाम लीला तारा है, जब तू पंडित लीला तारी लिखो उस चीज पंडित लीला भर ने, तो लीला भर की की लीला है ये नहीं किसी ने भी समझ आई, ये रहस्य है, पूरा रहस्य अनीश जी को ही है, तो असं उन्हों को ही रखते हैं ताकि दोबारा फिर उस रहस्य को जानने लिए आप दोबारा फिर बुलाइए, एक बार
फिर शुक्रिया नीश जी थोड़ा ओजस्वी जी शर्मा जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक स्मृति चिन्ह एक मोमेंटो छोटा जहा यादगारी ताकि TFT के इस फेस्टिवल चाहे अनीश जी को याद रहे कि कभी असी नीरजा भनोट के नाते इदा का कोई उत्सव उसारी जोड़ा वूमन डायरेक्टर के उत्ते हो जोड़ा चिल्ड्रन थिएटर के उत्ते हो और क्लासिकल संगीत के गुरु विनोद पवार जी को कहंगा कि वो ऑनर कर अनीश भनोट जी को। नवा दिन है और अनीश भनोट जी ही उसनू इनॉगरेट करेंगे फिर शाम का नाटक इलाहाबाद तो आई टीम जिहड़ा नौटंकी शैली दे विच नाटक करेगी आला अफसर इंस्पैक्टर जनरल का अनुवाद अडैप्टेशन वह शाम असी देखांगे उहदे वी डायरैक्टर आत्मजीत ने ये आत्मजीत लखनऊ वाले ने अपने मोहाली वाले नहीं है।